हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बालों को क्या हुआ है? लेट इट बी। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ एक भी व्लॉग। तो चलिए, मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं। ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया है, पर फिर भी मैंने सोचा कि अब आज तो मैं एक स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है। ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स में मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास वालों को छुट्टी रहेगी, तो फिर उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो संडे को मेरी एक रिबॉन्डिंग की क्लाइंट है, तो मैं देखती हूँ कैसे क्या कर पाती हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ वो कुछ सस्पेंस है, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, तो मैं आपको आगे आगे सिखा दूंगी दोपहर के टाइम पे। और फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये बताइए ये बताइए, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज उस पर ही मैं एक वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, और आज मैंने ना पता है लंच में कुछ नहीं बनाया है, अब मैं कुछ रेडीमेड ले लूँगी। मुझे रोज़ रोज़ रोटी सब्जी खा के कंटाल आ गया है, तो आज मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ तो भी रेडीमेड लूँगी खाने के लिए, लंच के लिए। और आज बच्चे लोग का प्ले स्कूल भी चालू है, तो बच्चे भी आएंगे, और तो इसीलिए मैं फिर आज मेरे बाल कुछ बराबर से नहीं बैठे हैं, ठीक नहीं लग रहे हैं। तो गाइस, बज गए हैं 9:35 और मुझे पार्लर पे भागना है। उस बीच में मुझे कुछ खाने का चीज़ भी लेना है रास्ते में से, तो चलिए निकलते हैं पार्लर पे। और बाकी सब क्या चल रहा है? कल मैंने आप सभी को बहुत मिस किया कल मैंने व्लॉग नहीं डाला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कल मैंने एक व्लॉग परसों का पब्लिश किया, पर आज मैं नहीं डाल पाऊँगी ना, देखती हूँ अगर शाम तक ये व्लॉग कंप्लीट हो गया तो मैं इसे ज़रूर पब्लिश कर दूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे बैक टू बैक वीडियोस आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको उसमें से क्या अच्छा लग रहा है, क्या मेरा गलती है, वो भी मुझे बताइए कमेंट्स करके, ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या, और आप बताइए, आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हो, तो कमेंट्स करते रहिए, अच्छे वाले कमेंट्स, ओके तो चलिए गाइस, अब निकलते हैं और मिलते हैं पार्लर पे जाके। उस बीच में रास्ते में कुछ ले लूँगी और फिर पार्लर पे चलती हूँ। इतनी गर्मी गाइस किसी साल नहीं गिरी है, आज तो बहुत गर्म हो रहा है, क्या मालूम क्यों, इतना गर्म कभी नहीं होता था। इतनी गर्मी, बारिश गिरे जा रहा है पर उसके बाद भी इतनी गर्मी होती है, तो थोड़ा सा हीट से भी छुटकारा मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहाने के बाद तो पूरा पसीने में तर बतर हो जाते हैं, थोड़ी एक खूब जोरदार बारिश हो और मुझे ऐसे लगता है एक दो दिन मुझे छुट्टी मिले तो मैं घर पे रह के घर का भी सब अरेंजमेंट कर डालूं, क्योंकि मैं जब से रशिया से आई हूँ ना, तो तब से मैंने अभी तो अनपैकिंग भी नहीं किया है, थोड़े थोड़े कपड़े निकाल के धुल रहे हैं। आज मैंने थोड़े कपड़े धोए क्योंकि अब सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और मुझे सारे ड्रेसेस अभी चाहिए पहनने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, एक साथ तो हो नहीं पाता है तो इसलिए। और बारिश का नाम, बारिश गिर रही है, रात को आती है फिर वापस चली जाती है, तो थोड़ा ज़ोरदार बारिश आए तो भी अच्छा लगे। मेरे इस मॉडल को लेयर कट चाहिए, तो हम उसके लेयर्स मारना स्टार्ट करेंगे। तो लेयर्स कट के लिए हमने बीच में से पार्टिंग लिया है,
इस तरह से हम हाथ में पकड़ेंगे बाल को और इसको मेरे मॉडल के बाल लंबे हैं तो लेयर्स हम सिर्फ आगे के बालों को ही मारेंगे। ये हम ने फ्रंट लेयर्स मारे हैं, सिर्फ उसको कुछ नहीं करना है, कोम को पकड़ना है इस तरह से, पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लेना है कितना पोर्शन हमें चाहिए और फिर से उसे हाफ कैंची चलाते हुए इतना कट करना है इस तरह से। हमारा लेयर कट हो जाएगा तो अभी हम दूसरी साइड का लेंगे। आपको कैंची पूरा पूरा नहीं मारना है, हाफ ऐसे सिर्फ ऐसे 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 करना है। कट होने के बाद देखो बाल का बहुत अच्छे दिखते हैं। बस हाफ लेयर से मारने हैं इस तरह से हमें। एक दो बार उसको वापस से चेक कर लेंगे तो प्रॉपरली आ जाएंगे। देखिए गाइस लग रहे हैं ना, ये हमने अभी 2 मिनट्स के अंदर ये पूरे लेयर्स मार दिए हैं। आप अगेन एक बार चेक कर लीजिए कि कटिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं। गाइस देखिए उनके बालों को अच्छा लुक आ गया। इस तरह से लॉन्ग बालों में हम लेयर्स मार सकते हैं। इस तरह से अगर आप क्लिप लगाते हैं तो पूरा लेयर्स का लुक इतना अच्छा आएगा। इस तरह से साइड लेयर्स पूरे दिखेंगे। इनका ये फॉरहेड बड़ा है तो हम इनको आगे भी स्मॉल लेयर्स देंगे। देखिए गाइस इस तरह से स्मॉल लेयर्स मैंने दिया है। अब इसको बैक कर देंगे तो इस तरह से ये लुक और इनका फॉरहेड थोड़ा छोटा दिखेगा। गाइस आज पूरा दिन निकल गया काम में ही और ये शालिनी ने ज़बरदस्ती इडली चटनी
दे दी है मुझे। कल का भी मेरा खाना बहुत पड़ा हुआ है, अभी लेट हो गया है, रात के बजे हैं 10:30। एक्चुअल में मैंने बहुत मना किया पर उसने ज़बरदस्ती भिजवा ही दी, तो अब मैं वही खा लेती हूँ। क्योंकि अभी शाम को ही मेरा भाई सैंडविच लेके आ गया था, तो सैंडविच भी खाई हम लोग ने, और फिर ऊपर से अभी ये इडली और ये, पर यम्मी लग रही है इसलिए खाती हूँ मैं थोड़ा बहुत। और गाइज मैं आज का व्लॉग थोड़ा सा बीच में गैप हो गया क्योंकि पार्लर में रश बहुत था, तो मैं नहीं शूट कर पाई कुछ भी। तो ये व्लॉग मैं कल तक के लिए कंटिन्यू करती हूँ। और मॉर्निंग में मैं थोड़ा गिर गई थी घर से निकलते वक्त, क्योंकि बहुत घाई घाई कर रही थी और थोड़ा सा बारिश हुई तो फिसलन हो गई थी, तो फिसलन में मैं गिर गई थी। और फिर खड़े खड़े पूरा दिन काम किया तो और पैर दुख रहे। तो फ्रेंड्स चलिए गुड नाइट, अब थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ और फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। ओके गाइस, अभी रात के 11:30 बजने को आए हैं और अब मैं सो रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग सब क्या कर रहे हैं? आधे जन तो सो ही गए होंगे लगता है क्योंकि बहुत लेट हो गया, इतने लेट तक कौन जागता है? स्पेशली हमारे बॉम्बे में तो आज मतलब इतने लेट तक कोई जागता नहीं है, क्योंकि सुबह सबको जल्दी काम पे जाने का रहता है, फटाफट सोते हैं काम निपटारा करके। और मेरा फेस देखिए कितना, मैंने कुछ भी नाइट क्रीम भी नहीं लगाई है अभी, कुछ भी नहीं, मैं इतना थक गई हूँ। मैं सुबह गिर गई तो मेरा पैर में दुख भी रहा है। और फ्रेंड्स आज था यहाँ महाराष्ट्र में गटारी बोलते हैं, गटारी, तो उस दिन आज सब लोग नॉनवेज वगैरह खाएंगे और फिर कल से नहीं खाएंगे। गणपति जब तक जाते नहीं, मतलब गणपति विसर्जन नहीं होता तब तक वो लोग नॉनवेज कुछ भी नहीं खाते हैं। श्रावण महीना आ जाएगा फिर गणपति आ जाएंगे, तो आज सब जम के नॉनवेज खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये आज के दिन का बहुत महत्व है महाराष्ट्र में, बहुत अच्छे से मानते हैं, गटारी बोलते हैं आज के दिन। वो लोग ड्रिंक भी करेंगे सब लोग और नॉनवेज भी खूब खाते हैं। उसके बाद वो पूरा एक डेढ़ महीना, पूरा श्रावण महीना नहीं खाएंगे और गणपति तक नहीं खाएंगे। गणपति के विसर्जन 11 दिन के गणपति जाएंगे तब तक वो लोग नहीं खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा था मैं आज का व्लॉग कल कंटिन्यू करूँगी उसी हिसाब से, पर अभी मैंने थोड़ा सा सोने गई तो मैं सोची आपसे मैं थोड़ा सा कनेक्ट हो जाऊँ। और आज मैंने आपको सिखाया है लेयर कट हेयर कटिंग, तो आप ज़रूर से मेरा वो हेयर कटिंग ट्यूटोरियल्स फॉलो करना, उस तरह से कटिंग करके देखना कि आपको हो आ रहा है कि नहीं। और मैं इजी मेथड से मैं मेरे क्लास वालों को कैसे सिखाती हूँ उस हिसाब से आपको बताने वाली थी हेयर कटिंग, लेकिन आज मुझे हो नहीं पाया, आज क्लाइंट थे तो हो नहीं पाया उस तरह से बताने का। तो एक मॉडल का मैं कटिंग कर ही रही थी तो मैंने उसका शूट करके आपको भी बता दिया कि लेयर्स कट कैसे करते हैं, बाकी के हेयर कट मैं बाद में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब सोते हैं, सपनों में जाते हैं और मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये हेयर कटिंग ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए सब्सक्राइबर को वेलकम। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट।